हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा कोशिश करता हूँ कि टाइम से स्टार्ट करूँ, लेकिन 7-8 दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। दो दिन से हम लोग काफ़ी बिजी थे कुछ कामों वगैरह में, तो आज जाके हम लोग फ्री हुए हैं थोड़ा सा। और अभी जा रहे हैं हम लोग नथिया गली, क्योंकि वहाँ पर भी एक काम है, घूमने फिरने जा रहे हैं। खैर, चलते हैं और पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त नथिया गली में, और सैम की गाड़ी ये खड़ी हुई है, जाके देखते हैं, मिलते हैं उससे। और हो सर, पिछले 2 घंटों से यार ये मेरा वेट कर रहा है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी ब्रो, मैं खुद आया होता ना मैं फौरन आ जाता। तो खैर, आप यहाँ पे क्यों बैठे थे? आपने कब से मरी में मांगना शुरू कर दिया? यार धूप देखो, मरी में भी, नथिया में भी इतनी गर्मी है। नहीं, वो आपकी बदमाशी के पर्चे जो थे वो बस वो चल ही रहे हैं। ये क्या पी रहे हो यार तब से आप? ये दिखाओ, इसमें क्या डाला हो? चौंसा बोतल में क्या पा दिया? मैंगो पा दिया। चौंसा ये चौंसा। सर कार्टेज, सर हम लोगों ने अभी सामान अपना अनलोड करें यहाँ से। ये सामने हमारा सारा व्यू है, बैक साइड पे भी अभी व्यू है, वो आपको दिखाता हूँ। और अब तक कॉटेज भी दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का। यहाँ से एंटर होते साथ ये है पीछे एक गैलरी, यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले। ये हमारा सारा कॉटेज है। खैर, एक और कॉटेज तैयार हो रहा है, पीछे भी सेम व्यू है। यहाँ से वापस अंदर को जा रहे हैं। ये सामने है हमारा छोटा सा गार्डन, और यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। वो सेटिंग बनी हुई है, गार्डन सेटिंग जो होती है। और यहाँ से इस टाइप का व्यू है। दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू। अंदर जाएंगे, लेफ्ट पे है डाइनिंग टेबल, और राइट पे कुछ सोफाज वगैरह पड़े हुए हैं। एक ये रूम है और एक रूम ये है। तो इस रूम में कम्बर्ड सोफ़ा और साथ में ये दो सिंगल बेड्स हैं। ये रहा हमारा सेकंड रूम, और यहाँ पे ये सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, और हीरा सो गई भी है। और ब्रो अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहा हूँ कैसे पिया जाता है, मैं पीता नहीं सिगरेट। अच्छा, सैम तो हमें मिला ही था, और यहाँ नथिया गली में हमें मिले हैं सनिया भाई। सनिया भाई ये बेड पे आने के लिए लगा के सोई भी है। यहाँ पे हमें मिले हैं सैम भाई, ऑन भाई और सनिया आपी। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग पहुंचे हो। आज रात हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ करने, जो वीडियो मैंने बनाई है ना वो बहुत कमाल है। ब्रो हिलाएं दोबारा, अच्छा हिला लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो सीन इस तरह से कि मौसम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हुआ है यहाँ नथिया गली का। और हम लोगों ने अभी अभी खाए हैं यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह अपने, और एक प्लेट अभी और मंगवाई है, पुलाव मंगवाया, थोड़ा खाएं पियेंगे, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करेंगे। वो सामने देखे, इस वक्त हम लोग उस जगह पे हैं कि वो सामने कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, और ये बादल बस इधर को आ गए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच प्लेजेंट, हमारा सीन बहुत ही आला हो जाएगा। वैसे आज उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि काले बादल आ चुके हैं। तो बारिश होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरा पहले से प्लान है कि हम लोग अगर इतनी दूर आए हैं तो घूमने फिरने की बजाय हम लोग अपने कॉटेज में रहें, क्योंकि कॉटेज हमने बड़ा प्यारा बुक करवाया हुआ है। और यहाँ पे रहना इज समथिंग रियली प्लेजेंट और रिलैक्सिंग होता है, कि आपको कुछ टाइम के लिए एक महीने में कम से कम एक बार नॉर्दर्न एरियाज में आना चाहिए। तो यार बेस्ट चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पे जो खाना है, ये देखे चिप्स, बिल्कुल घर के जैसे चिप्स हैं। और यार शदीद टेंशन में बैठा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। यार सीन इस तरह से कि हम लोगों को उठना था 3 बजे और निकलना था आगे कुछ जगहों पे घूमने फिरने के लिए, लेकिन हम लोग उठे 7 बजे और अभी ऑलमोस्ट हो रहे हैं 7:45, और यहाँ पे अभी तैयार हुआ जा रहा है। अभी जाएंगे हम लोग माल रोड, वहाँ से कुछ लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए, वहाँ से कुछ लोगों ने जैकेट्स वगैरह नहीं ली हुई, तो उनकी जैकेट्स वगैरह लेंगे। क्योंकि मरी में इस वक्त माल रोड उतर है, और यहाँ पे इन दोनों की तबीयतें बड़ी शदीद ख़राब हुई हैं। खैर, रोड अभी सारी की सारी ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और जा रहे हैं आगे पैदल माल रोड के। गाइस, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हाइकिंग, और ये हमें किसी अजीब से रास्ते से ले आए, समझ नहीं आ रही। वो नीचे माल रोड है, बहुत घटिया हरकत है, आप किसी का दरवाज़ा खटका के भाग रहे हो ब्रो। हमारे माँ बाप हमें बताते होते थे कि हम कैसे कैसे स्कूल जाते थे, वो ऐसे रास्ते होते थे, इतनी मुशक्कत से वो लोग स्कूल जाया करते थे।
हाँ। तुम्हें ये वाला होटल याद? हम जब सबसे पहले जिंदगी में मरी आए थे तो हम लोग इस होटल में रहते। गाइज आई डोंट नो व्हाई लेकिन आज मरी के माल रोड के ऊपर बहुत एक्सट्रीम वाला रश है। प्लान इस तरह से बने, खाना हम लोग खाएंगे बुंदू खान रेस्टोरेंट में, मेरे दोस्तों को और ये दोस्त की बहन है, इनको लगी हुई है बहुत शदीद भूख, अभी खाना खाएंगे और फिर हम जाएंगे आगे। गाइज आई फॉरगॉट टू मेंशन कि हम लोग आ गए थे बुंदू खान और यहाँ पे हमें देखे कौन मिला, वही जो हमें नथिया गली में मिले थे। कैसे लग रहा है आपको आज दोबारा मिल के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ा नया नया फील हो रहा है। क्या कह रही हैं आप? ऑन भाई के साथ बैठना, मुझसे दोबारा मिलना। अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो मिलना रोज पड़ेगा, कोई मसला नहीं। फजूल बातों को छोड़ते हैं, हमारा खाना आ चुका है और अभी हम खाना खाएंगे। खाने के साथ साथ ये हमारी सारी स्नैप्स वगैरह बन चुकी हैं। खाना काफी ज्यादा बच गया था, हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, वो है चमन आइसक्रीम मरी के अंदर बुंदू खान के साथ बिल्कुल। यहाँ से लेंगे आइसक्रीम और हाँ तो हम यहाँ की खाते भी नहीं। एकदम से प्लान बना कि इस्लामाबाद वापस आने, जो हमारी शूट की कॉल अभी तक हमें आई नहीं हुई थी वो एकदम से आ चुकी है। फिलहाल हम लोग स्वीट क्रीम पे यहाँ से कुछ मीठा मीठा खाएंगे। गिरती नहीं है ये इस वक्त, नीचे मरी माल रोड है और वहाँ पे होटल्स हैं और हम लोग इस वक्त बड़े ही एक खतरनाक रास्ते जो कि शॉर्टकट का नाम दिया सैम साहब ने उससे जा रहे हैं। मेमोरीज राइट ओवर हियर, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग इस अपार्टमेंट में रुके थे। खैर अभी मुझे जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि आगे सारे निकल चुके हैं और उनके पास पहुँचेंगे। खैर हम लोग जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ तो रुक नहीं सकते, अभी हमें नथिया गली जाना है मरी माल रोड से। इट टेक्स लाइक 2.5 आवर्स ऑन द सिंगल वे और फिर वहाँ पे पहुँच के हमें वापस इस्लामाबाद आना है फॉर शूट। और ये आजकल की जवान नस्ल देखे थक जाती है थोड़ा थोड़ा चलने के बाद। क्या यार क्या बनेगा आपका? वैसे आप लोग मटन बीफ से नीचे नहीं आते और चला आपसे जाता नहीं है। सीन इस तरह से कि हम लोग आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट में वापस और यहाँ पे अभी कुछ खाया पिया हमने, चाय वगैरह पिया। उसके अलावा इस वक्त बच रहे ऑलमोस्ट रात के 3, हम लोगों को निकलना है वापस इस्लामाबाद के लिए। आई नो इट्स टू हेक्टिक और जो रास्ता हमने जिस तरीके से कवर किया वो तो खैर बहुत मुश्किल है और फिर से मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया प्रोजेक्टर और यहाँ पे बड़े लेवल के व्यूज़ बन रहे हैं। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, इधर चेक करें कितना लेवल सीन है यहाँ, चेक करें कितना लेवल सीन बना हुआ है यहाँ पे। ऑलवेज नीडेड सेरेनिटी के इस तरह कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप आए महीने में एक दफ़ा और रहे। सामने दरख्त ही दरख्त, इस वक्त खैर नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन बहुत मज़े का सीन है जिस साइड पर रह रहे हैं हम लोग। खैर अभी पैकिंग वगैरह करते हैं और वापस निकलने की तैयारी करते हैं, गाड़ी हमारी पहुंचने वाली है। नो वाइल गाइस के मैं व्लॉगिंग सही से नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम रीजंस, काफ़ी ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रेशर है एक सर के ऊपर। तो इंशाल्लाह 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 आज से मैं अपनी व्लॉगिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान दूंगा, प्रॉपर इसको टाइम दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कॉमेंट्स किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।